बेटा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 में अब नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टमीटर का। सवाल ये आता है कि गैल्वानोमीटर को हम किस तरह से वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूज वैल्यू इन सीरीज। यानी हम एक गैल्वानोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसके साथ एक सीरीज में बड़ी मिकदार के रेजिस्टेंस जिसे हम Rx से शो कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं उसका मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो सूरत में ये पूरा सर्किट अब जो है वो वोल्टमीटर के नाम से जाना जाएगा। और इसके ज़रिए से यानी इसके दो जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट्स हैं, हम इसके ज़रिए से किसी भी सर्किट का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि जो भी सर्किट बना है इस पूरे सर्किट को उठाकर हम लेकर जाते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को हम किसी भी सर्किट के साथ ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई सर्किट मौजूद है, यहाँ तो खैर बहरहाल हमें बोर्ड वर्क नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल सपोज़ करो कि कोई सर्किट रखा हुआ है और सर्किट के दो टर्मिनल्स हैं, हम उन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं। तो हमने अपने इस पूरे वोल्टमीटर के निकले हुए दोनों तारों के साथ उस दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन किया। हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे बेटा तो उस सूरत में हमारे गैल्वानोमीटर की जो भी डिफ्लेक्शन होगी वो उस दो टर्मिनल के दरमियान पाए जाने वाले पोटेंशियल को नोट करेगी। अच्छा, अब एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है और वो ये है बेटा कि हमने देखा कि सीरीज़ में हमेशा करंट की मिकदार सेम रहती है, यानी जितना करंट यहाँ से गुजरेगा वही करंट यहाँ से गुजरेगा। और ये बात पहले हो चुकी है कि गैल्वानोमीटर के अंदर ज़्यादा बड़ी मिकदार को करंट को अपने ऊपर बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती है, लिहाजा गैल्वानोमीटर में से हम एक मखसूस मिकदार का करंट आईजी ही गुजार सकते हैं, गैल्वानिक करंट। याद रखिए जब इस पूरे सर्किट को आपने बना लिया है तो इस सर्किट को अगर आपने किसी दूसरे सर्किट पर सीरीज में लगा दिया तो एक सेकंड से भी कम लगेगा इस पूरे गैल्वानोमीटर को तबाह बर्बाद होने में, क्योंकि सीरीज़ में उस सूरत में एक बड़ी मिकदार का करंट इसमें से गुजरेगा और वो गैल्वानोमीटर को अंदर से जला देगा। लिहाजा इस वोल्टमीटर को आपने लाजमी तौर पर सर्किट के साथ पैरेलल तरीके से ज्वाइन करना है। मिसाल के तौर पर समझिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सर्किट की दो टर्मिनल्स हैं जो कि एक बड़ी मिकदार का वोल्टेज अपने ऊपर रखते हैं। आपने इस वोल्टमीटर जिसको आपने नाम दिया है इसके दोनों टर्मिनल्स, ये दोनों टर्मिनल्स आपने यहाँ और यहाँ ज्वाइन करने हैं ऐसे। तो उस सूरत में इस सर्किट में से जो करंट निकल के आएगा बेटा वो करंट इस पूरे रास्ते की रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से आएगा। आपने ये बात पहले ही पढ़ी है कि करंट हमेशा लेस रेजिस्टिव रास्ते को चुनता है, सेलेक्ट करता है, क्योंकि ये रास्ता जो बाहर की तरफ आ रहा है इनटू अ वोल्टमीटर, ये रास्ता इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस के होने की वजह से एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का हामिल है, यानी इसके अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस छुपी हुई है। लिहाजा इस सर्किट में से करंट की मिकदार इस बड़ी रेजिस्टेंस को देखते ही लिमिट हो जाएगी और बहुत ही माइन्यूट सा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा जिसकी वजह से वोल्टमीटर अपनी प्रॉपर वर्किंग पे रहेगा। अब वो करंट हमने लिमिट कैसे करवाना है उसके लिए असल काम मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का ही है। आप देखें कि जो पैरेलल में पोटेंशियल इस सर्किट पर होगा वही पोटेंशियल अपीयर होगा आपके वोल्टमीटर में। तो बेटा जो हमने देखा पैरेलल में सर्किट, जो टोटल सर्किट था, असल सर्किट जिसके हम पोटेंशियल को चेक करने जा रहे हैं, उस पर शो होने वाला पोटेंशियल वही है जो हमारे वोल्टमीटर पे है, लेकिन हमारे वोल्टमीटर में दो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एक है गैल्वानोमीटर, एक है मल्टीप्लायर। तो यार उस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो टोटल पोटेंशियल 20 वोल्ट का है तो मान लीजिए कि उसमें 17 वोल्ट ड्रॉप होगा यहाँ पर, 3 वोल्ट ड्रॉप होगा यहाँ पर, तो यार 3 जमा 17 मिलकर उस 20 यानी टोटल वोल्ट के बराबर ही होंगे ना। तो इस बुनियाद पर आपने ये इक्वेशन लिखी, ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। तो आपने इस V की जगह बहरहाल कुछ भी कीमत नहीं रखनी क्योंकि वोल्टेज ही तो मालूम करना है, बाकी रह गया Vx यानी V मल्टीप्लायर, तो इसकी जगह आपने IxRx रखा, Vg की जगह IgRg रखा। अब क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लायर रेजिस्टर और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस यानी Rg ये दोनों लगी हुई कैसी सीरीज़ में, तो बेटा सीरीज़ में तो करंट रहता है सेम, तो उस सूरत में इसके अंदर से गुजरने वाला करंट और इसके अंदर से गुजरने वाला करंट दोनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे।
तो जहाँ पे लिखा हुआ था आई एक्स वहाँ पर आप आई जी लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आई जी आर जी। बेटा इन दोनों में से हमने आई जी आर जी को उठाकर लेफ्ट साइड पे लिखे हुए वी के पास ले गए, तो ये माइनस का आई जी और आर जी हो गया, रह गया लेफ्ट हैंड साइड पर आई जी एंड आर एक्स। देखो इस पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो इस मल्टीप्लायर का है। ये मल्टीप्लायर ही उस एक्सटर्नल सर्किट से लिए गए ड्रेन किए गए करंट को लिमिट करवाता है। तो बेसिकली हमें जिस बात में इंटरेस्ट है वो है इस सीरीज़ रेजिस्टर RX की कीमत को मालूम करना कि वो कीमत कितनी होनी चाहिए। तो आपने एक काम ये किया कि RX की कीमत को निकालने के लिए IG जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसको लेफ्ट साइड पे ले गए। बेटा ये IG V के डिवाइड में भी आएगा और यही IG इस IG RG के भी डिवाइड में आ गया। तो इस तरह आपने RX की कीमत निकाली, V अपॉन IG माइनस IG से IG कैंसिल, ये आपके पास RG कीमत आ गई। तो अब आप इस फॉर्मूले के ज़रिए से V टोटल पोटेंशियल, IG गैल्वानिक करंट और RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर के होते हुए मल्टीप्लायर की कीमत को कैलकुलेट कर सकते हैं।